ओके आज अमित सर से दवा किया एनिवर्सरी है, क्या कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे? हाँ एक्चुअली सबसे पहले तो हैप्पी एनिवर्सरी टू देम, और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की जोड़ी ऐसी आज, क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती की शादी हुई थी, तो इट्स अ कोइंसिडेंट, और मैं चाहती हूँ कि उन दोनों की जोड़ी हमेशा शिव और पार्वती की तरह चमकती रहे। ओके आपकी और अमित मैम के साथ बॉन्ड कैसे बना है, कैसा रहा आपकी जर्नी उनके साथ? एक्चुअली मैंने उनके साथ में एक फिल्म की थी, इट वॉज 9th Floor, जो अभी ऑन प्रोसेस में है फिल्म, तो हम लोग पहली बार वो फिल्म के सेट पे मिले थे, ही वॉज माई प्रोड्यूसर, तो बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सोफिस्टिकेटेड थी क्योंकि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट धीरे धीरे जैसे ही घुलना मिलना हुआ, बातचीत हुई और मैं उनकी फैमिली से मिली, तो वो बॉन्ड धीरे धीरे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि नाउ वी आर लाइक फैमिली, तो हम लोग एक परिवार के जैसे हैं। और उनकी फैमिली मेरे लिए, मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, भाभी की भी और सर की भी, उनकी पूरी फैमिली की इनफैक्ट, तो अभी ऐसा लगने लगा है मैं उनके घर की बेटी हूँ। ओके क्या सरप्राइज और क्या प्लान किया आज? एक्चुअली मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था, हम लोगों ने उनको एक पेंटिंग गिफ्ट किया जो हाथ से बने हुए, वो ऑलरेडी उनके घर पे हम लोगों ने कुरियर करा दी है, सो एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ सरप्राइज एज सच यहाँ के लिए नहीं है, जो मेरा सरप्राइज था मैं ऑलरेडी उनको दे चुकी हूँ, बट हाँ मैंने उनके लिए एक सोलो डांस प्रिपेयर किया है, सो यस डेफिनेटली मेरा सरप्राइज है। ओके हमने सुना कि निशान सिंह मल्हानी के साथ आपका एक म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है, एल्बम आ रहा है, उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ एक्चुअली हम लोग एक अभी बहुत जल्दी गाना कर रहे हैं जिसमें निशान मल्हानी मेरे ओपोजिट काम कर रहे हैं, और गाना बहुत अच्छा है, व्योम सिंह ने गाया है, और 25th से मे बी हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं, और आप लोगों तक वो गाना बहुत जल्दी आने वाला है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, हमारी स्टोरी भी बहुत अच्छी है, एंड आई होप वो आप सबको पसंद आए, आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, सो प्लीज़ ब्लेस अस। ओके निशान के साथ आपकी मुलाकात हुई वर्कशॉप या एनी सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप के टाइम पे? नहीं एक्चुअली अभी तो नहीं हुई, बिकॉज आई थिंक निशांत इज़ बिजी ऑन अनदर शूट, तो हम लोग सीधा डायरेक्टली सेट पे ही मिलने वाले हैं। बट आपने उनका लाइक गुड डे तुमसे ना हो पाया या बिग बॉस में आपने उनको देखा था निशान को, तो व्हाट इज़ योर फीलिंग कि कैसे आप लोग की केमिस्ट्री बनने वाली है? I don't know now actually, I have very mixed feeling because मैं निशान से कभी पहले मिली नहीं हूँ, but हाँ I watched his serial like एक दो बार देखा है, और बिग बॉस में भी एक दो बार देखा है, बिकॉज मैं बिग बॉस फॉलो करती हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो बहुत आगे तक जाएगा, बट बहुत बहुत जल्दी बाहर आ गया, बिकॉज हिज पर्सनैलिटी इज लाइक कि वो टिकने वालों में से लगता था, बट या ऑल द बेस्ट निशान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू ऑल। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल सो मैम हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो किस तरह से आप सेलिब्रेशन होने वाला है आपका इस एनिवर्सरी का? बस कुछ अच्छे दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अभी बॉम्बे में पहला सेलिब्रेशन मुझे लगता है हम लोग का है ऐसा कुछ, तो काफ़ी एक्साइट हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों ने जिस तरह से मुझे ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, और बहुत अच्छा, हम तो एक गेस्ट की तरह आए हैं, कुछ चाहने वाले दोस्त अच्छे हमारे जिन्होंने पार्टी मुझे रखी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आज, थैंक यू। क्या कहना चाहिए अब तक की जो जर्नी रही है सर के साथ, ये पूरी मैरिज की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है? जर्नी काफ़ी सफ़र करना पड़ा लेकिन अच्छा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी रही आपकी जर्नी, मैम कितना सपोर्टिव रही? बहुत बहुत अच्छी रही है, और मैं थैंक्स टू गॉड कि सी इज़ माई वाइफ, और ये मेरी लाइफ में सुख में दुख में हर तरह से इन्होंने मेरा साथ दिया है, और मैं लकी हूँ मानता हूँ कि सी इज़ माई वाइफ, और मेरे अगले जितने भी जन्म हों बस ऊपर वाले से यही दुआ है, वाइफ मेरी यही है, और एक जैसी कल्पना होती है किसी भी जेंट्स की अपनी वाइफ के लिए कि ऐसी होनी चाहिए, वो सारे खूबियाँ इनके अंदर हैं मुझे ऐसा लगता है, और वो इनके अंदर है, मुझे मिला है वो। बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्री से किन किन लोगों के आपके विशेस आए हैं आज आपके एनिवर्सरी के लिए? बहुत से लोगों ने, जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने मुझे विश किया, राजकुमार कनौजिया जी, ईशान खान, किरण कुमार जी रहे, और अपना जी भाव हिंदुस्तानी भाव इज माई गुड फ्रेंड रवि किशन जी, ये तमाम लोगों ने मुझे विश किया हुआ है, और दे आर माई क्लोज फ्रेंड्स इन इंडस्ट्री। ओके सर एनिवर्सरी है तो मैम को एक प्रपोजल तो बनता ही है,
आई लव यू तो मैं डेली हजार बार बोलता हूँ, विल यू मैरी मी बोल नहीं सकता, लेडीज इज माई वाइफ, तो और मैं क्या बोल दूँ इनसे, बस यही कहूँगा कि इसी तरह तुम मुझे अपना प्यार देती रहो और विश्वास जैसा तुम मेरे ऊपर करती हो वैसा विश्वास बना रहे तुम्हारी ज़िंदगी भर। और हम आज भी शादी के पहले हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और आज भी शादी के 20 साल बाद भी हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह ही रहते हैं, मतलब वाइफ और हस्बैंड की कोई फीलिंग हमारे अंदर नहीं है, हम लोग एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जैसा लोग कहते हैं कि वो लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, तो मुझे लगता है कि मैं एक उसका सीधा साधा उदाहरण हूँ, मैं लोग मुझे देखें, क्योंकि हम पति पत्नी समझे नहीं अपने आप को। जैसा मैं 95 में था जब मैंने पहली बार मिला था, आज भी मेरे लिए वो उतनी ही नई लगती हैं डेली, और मैं गर्लफ्रेंड ही उनको समझता हूँ अपनी, इसलिए हम लोग का रिश्ता तक चलता रहा है। और ऊपर वाले से दुआ है और आप लोग का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मैं चाहूँगा, हमारा रिश्ता इसी तरह चलता रहे। बाकी थोड़ी मोड़ी नोक झोंक हो तो मतलब यार पति पत्नी में अगर ना हो तो फिर वो रिश्ता मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो भी चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहे, यही दुआ है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट सर, क्या कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं? अभी मेरी एक मूवी आ रही है 9th फ्लोर, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है अभी, और दूसरा अभी 26 और 27 मार्च को शूट है मेरा एल्बम का, जो कि अमन प्रजापत डायरेक्टर हैं, व्योम सिंह राजपूत इधर सिंगर एंड कंपोजर, और निशांत मलखानी एंड दीपाली सैनी उसमें एक्टर और एक्ट्रेस हैं। और ये हो गया, बाकी अभी हम एक दो एल्बम और करना अभी प्लान कर रहे हैं तीसरी इसको लेके, और दो फिल्म के प्रोजेक्ट मेरे अभी अपकमिंग है, मुझे लगता है कि हम जून और जुलाई से हम फ्लोर पे आ जाएंगे उसके लिए, वो बड़ी फिल्में हैं अच्छी स्टार कास्ट के साथ है। थैंक यू थैंक्स फॉर बीइंग हियर। पहले तो आप तीनों से जाना चाहेंगे कि आप लोग बधाइयां देना चाहते हैं सर को। पार्टी ही एक्चुअली है और मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत बहुत मजा आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि अब लखनऊ नहीं, मुझे पार्टी बॉम्बे में ही करनी चाहिए, इतना प्यार और बड़ों का मेरे आशीर्वाद मुझे यहाँ मिला है और मिल रहा है, और आप जैसे लोगों की दुआएं मिल रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये पार्टी होती ही रहेगी मुंबई में मेरी तरफ से, और आप लोग साथ हमारे रहें बस, फिर हम पार्टी करते रहें। और जैसे मैंने पहले भी बोला, आज का दिन कितना अच्छा है, आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन की हैप्पी एनिवर्सरी है, तो लाइक इट इज़ लाइक शिव पार्वती की जोड़ी, और मैं चाहती हूँ ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। ओके सर, पूरी कास्ट है जो आपका आने वाला म्यूजिक एल्बम आने वाला है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबका। पहले तो ये व्योम सिंह राजपूत इज अ सिंगर एंड कंपोजर, गाना इन्होंने लिखा है, इन्होंने गाया है, बहुत खूबसूरत गाना है, और ऐसा गाना है कि वो लोग गुनगुनाते रहेंगे, मुझे पता है बहुत, क्योंकि मुझे खुद को बहुत पसंद आया। दूसरा ये अमन प्रजापत जी, थैंक यू सो मच, ये डायरेक्टर डीओपी सब कुछ, पूरी स्टोरी इन्होंने लिखी है, और उस गाने को खूबसूरत तरीके से फिल्म जो फिल्माया जाएगा उसकी देनी अमन जी होंगे, और ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। थैंक यू सर, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, स्टोरी बहुत खूबसूरत बनाई इन्होंने, मुझे लगता है कि लोगों सर, को कितना पैसा दिया था आपको? इतनी तारीफ मीडिया में नहीं, वो मीडिया में नहीं, आई जस्ट किडिंग, बट बहुत अच्छे इंसान। मेल एक्टर हमारे एल्बम में है वो निशांत सिंह मलकानिया, वो अभी शूट पे है, वो तो आ नहीं पाए, और उसके आगे हमारी हीरोइन एल्बम की दीपाली सैनी, हमारी ब्यूटीफुल हीरोइन जो कि आपके सामने है, गॉर्जियस, बोलिए कुछ गाने को लेकर बोलिए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और मैं कब से वेट कर रही हूँ, अब मेरे बारे में बोलेंगे सबसे लास्ट में, पैसा मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, पैसा कोई कदर ही नहीं है ना, सो आई एम वेरी एक्साइटेड बेसिकली। और गाना एक्चुअली जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा है, सुनने के बाद आई थिंक लोगों की जबान पर चढ़ जाता है, और अमन के बारे में तो सभी जानते हैं, अमन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, अमन ने काम काफ़ी अच्छा किया है, तो मैं चाहती हूँ अमन जैसे आज तक अपने सारे हीरोइनों को इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते आए हैं, तो मुझे भी और थोड़ा अच्छा अच्छे शॉट्स लगाए मेरे, तो यस आई एम वेरी एक्साइटेड। और जैसे कि निशांत है सॉन्ग में, तो आई थिंक वो अभी यहाँ पे है नहीं, सो आई थिंक गाना बहुत अच्छा बनने वाला है। आज का दिन ही बहुत अच्छा है एक्चुअली में, आज मेरे जो गुरु है जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरी फैमिली है गोविंदा जी, आज उनकी भी एनिवर्सरी है, सो अभी मैं उनसे ही बात कर रहा था, मैं उनकी वहाँ पे भी जाने वाला था, बट इनका पहले से मुझे भी पता नहीं था उनका एनिवर्सरी है, सुबह ही फ़ोन आया कहाँ पे है तू, तो अभी पता लगा, तो उनका भी आज एनिवर्सरी है और इनका भी आज एनिवर्सरी है, तो इट्स लाइक हैप्पी एनिवर्सरी गोविंदा जी। गोविंदा जी। ओके,
आपसे जानना चाहेंगे कि सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा जा रहा है? मैं सर तो नहीं, मैं भैया बोलूँगा, बिकॉज मेरे बड़े भैया हैं और मैं इनको बहुत टाइम से बचपन से जानता हूँ, और इन्होंने मुझे एज अ छोटा भाई ये अपॉर्चुनिटी दी जिसको मैंने ग्रैप्स किया और इनको सॉन्ग सुनाया। इनको पहली बार में गाना बहुत अच्छा लगा था और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही काम करते रहें। और मैं तहे दिल से इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने जिस मोमेंट पे चीज़ों को स्टार्ट किया है। इनके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, फिल्म भी है, अपना गाना भी है। इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई होप कि पब्लिक को बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज द टीम इज़ वेरी गुड। एक अच्छी टीम मिलकर एक अच्छा काम करती है। सो दैट्स इट, दैट्स आई वांट टू से। हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट करने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोग इट्स डेला रिसोर्ट, राइट? सो हम डेला रिसोर्ट में शूट करने वाले हैं। सभी लोगों ने देखा है वो कितना ब्यूटीफुल है, और ये अभी अमन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरा लास्ट सॉन्ग भी मैंने वहीं पे शूट किया था। मेरा एक सॉन्ग था बट वो मैंने नाइट में किया था, ये हम डे में करने वाले। एक गाना आया था मेरा असीम का, बदन पे सितारे, वो मैंने वहीं शूट किया था, बट मैंने पूरा यू नो बारिश में शूट हुआ था और नाइट में हुआ था वो गाना। लोकेशन ज्यादा यूज नहीं करता, नहीं की नहीं अब करने वाले हैं। गाना सही में ही जो मैं सुनाऊं गाने को, मतलब जब हमारी मुलाकात हुई सर से, व्योम से, दीपाली को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, इसको बताया नहीं, बट हाँ हमारा काम स्टार्ट अभी हो रहा है। कौन नहीं जानता, इतना अच्छा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, सब जानते ही हैं। सो मैं जब पहली बार गाना सुना था वहीं पे सामने ही थे, सर भी थे, मुझे गाना सही में बहुत अच्छा लगा। सी हर एक सॉन्ग या हर एक प्रॉपर्टी हर इंसान के लिए बच्चे की तरह होती है, तो ये भी मेरे लिए एक बच्चे की तरह ही है कि मैं कैसे ही सॉन्ग को उस लेवल पे लेके जाऊँ, यू नो। तो उसी पे ही हम डिस्कस करते रहते, मैं व्योम, दीपाली, सब लोग इतने ज्यादा वो है कि यार गाना बस बहुत अच्छा बना, अच्छा बन जाए, अच्छा बन जाए, एक्चुअली बहुत अच्छा बना। मतलब ये आई थिंक 2020 बनकर सबसे बड़ी अच्छी बात है कि डायरेक्टर को एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर मिल जाए जो बहुत सुनने वाले हो, यू नो, बीच बीच में कुछ बोलने वाले, बहुत सारे होते हैं ना कि बीच बीच में। अरे वाह क्या बात है। सो मुझे अच्छे इंसान है हमारे, अच्छे प्रोड्यूसर है जो दिल के बहुत अच्छे हैं और काम करने में बिलीव करते हैं। काफ़ी लोगों को आप जानते हो, लोग सिर्फ बोलते हैं, ये काम करने वाले लोग हैं। सो गाना बस शूट होने वाला, इसी महीने हम शूट कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में हम इसको रिलीज करेंगे। आप ही का वहाँ पे भी यही रहेगा। तो प्लीज़ आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए, और हम लोगों के आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जल्दी हम लोग आपको सरप्राइज करने वाले हैं हमारे नए गाने के साथ। अच्छे से आप लोग प्रमोट करोगे सॉन्ग को, क्योंकि यू नो एंड ऑफ द डे मीडिया ही एक जरिया होता है जिससे कि हमारे सॉन्ग्स बूम होते हैं। कल मेरा एक सॉन्ग आया अर्जुन बिजलानी एंड अदा खान का, मोहब्बत फिर हो जाएगी, मेरा ही सॉन्ग है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। सो अभी और भी दो तीन सॉन्ग आने वाले हैं, पहले इस सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा फोकस है मेरा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग इतना प्रमोट कीजिएगा इसको भी जो हमारा बीच हो रहा है। बस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग अस, थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं और जल्दी आने वाला था बट मेरा पैकअप अभी जस्ट हुआ, मैं डायरेक्ट शूट से आया, और कल भी साथ का शिफ्ट है लेकिन अमित सर के लिए आना ज़रूरी था, सो फाइनली आई एम हियर। मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहूँगा, मैं उनको काफ़ी समय से जानता आया हूँ, एंड ही इज़ डूइंग रियली ग्रेट एज अ प्रोड्यूसर, और बहुत जल्दी हम लोग भी कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ प्लान कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 2-3 महीने में एक तगड़ा वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली मैं अपने बड़े भाई के थ्रू मिला था, निर्भय के थ्रू मैं मिला था इनसे, एंड जैसे जैसे बात होती गई अच्छे लगते गए, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग भी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। सो अच्छे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए, इसलिए मैं हमेशा उनसे टच में रहता हूँ। जी हाँ, मैं रिसेंटली आई एम डूइंग अ शो ऑन स्टार भारत विच इज़ कॉल्ड तेरी लाडली, मैं उसमें आई एम प्लेइंग द मेन लीड, इसीलिए मैं काफ़ी बिजी हूँ, पिछले 25-26 दिन से मुझे ऑफ नहीं मिला,
एंड डिस्पाइट ऑफ दिस मैं यहाँ पे आना चाहता था क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग भी है, लेकिन नहीं, मैंने सोचा चाहे मैं आधे घंटे के लिए जाऊँ, मैं अमित सर के लिए ज़रूर आऊँगा। एंड जहाँ तक बात रहे रिश्ता एंड ऑल, रिश्ता तो मेरी लाइफ का चेंजिंग कैरेक्टर था, उसके बाद से ही लीड रोल्स मिलने लगे, सो आई एम रियली हैप्पी एंड अच्छा चल रहा है सर। जी जी, बेस्ट विशेज यार, बट मैं चाहता था अली भाई जीते क्योंकि मैंने उनके साथ अपने करियर की शुरुआत की थी, ये है मोहब्बतें में, मैं उनके साथ रूम भी शेयर करता था, सो मैं दिल से चाहता था वो जीते, बट कोई बात नहीं, रुबीना को भी ऑल द वेरी बेस्ट एंड वो भी बहुत अच्छा कर रही थी। ओके, अली का जिक्र हो ही चुका है, तो जी अली और जैस्मिन की जो केमिस्ट्री और प्यार है ना, जनता बहुत पसंद है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं जैस्मिन को पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट मैं अली भाई को पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि जैसा मैं उनको जानता था वो वैसे ही मुझे दिखे, वो बिल्कुल भी फेक नहीं थे, मैं उन्हें रियल लाइफ में, जिम में भी हम लोगों ने कई बार साथ में वर्कआउट किया, सो वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे स्क्रीन पे थे, एंड अभी आई एम डैम श्योर कि वो बहुत तगड़ा करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अगर बुलावा आएगा तो ज़रूर जाएंगे यार, क्यों नहीं जाएंगे यार, आई एम रियली श्योर एंड हैप्पी फॉर देम। मुझे बहुत क्यूट लगती है यार, क्योंकि एक होता है कि एक थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और एक दूसरी होती है जो संभाल सकती है, सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो उन दोनों का है। ऑफकोर्स यस, एंड पिछले एक दो टाइम से हो रहा है, मीटिंग्स तक भी बात होती है, लेकिन आगे कुछ वर्कआउट नहीं हो पाता है, अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ हुआ तो क्यों नहीं यार, बट मैं चाहता हूँ कि मैं खतरों के खिलाड़ी या ऐसा कुछ करूँ, क्योंकि मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, ये सब मैं अपने आप पर ट्राई करना चाहता हूँ। Thank you so much. Thank you. First of all, good to see you. Hi, hi. Yeah, thank you so much. पहले बात तो ही इज आवर ब्रदर, हमें भी पता चला कि उनकी एनिवर्सरी है, तो ये जो भी अरेंजमेंट है हमने उनको सरप्राइज किया, तो दे लव्ड अ लॉट, एंड सारे क्रेडिट्स तो लाइक 50-50 बोल सकते, तो दीपाली एंड अक्षत एंड मी, हम लोग ने मैनेज किया एंड दे एक्चुअली लव्ड इट, लव्ड इट एक्चुअली, एक्चुअली एंड दे वेरी क्यूट कपल, वेरी क्यूट कपल। एग्जैक्टली, और ये रिश्ता कैसा बना जाना चाहिए? इनका रिश्ता, मैं तो इनका रिश्ते के बारे में क्या बोलूं, क्योंकि हम सेम इंडस्ट्री। अच्छा, हमारा अच्छा, तो अभी बेसिकली हमारे बारे में शायद अभी आप लोग ही आए थे, हम लोग का अभी लॉन्च हुआ है, हमने अभी लॉन्च किया था अपना एक गाना, फिर 26 को हमारा एक और गाना लॉन्च है, तो बेसिकली शी इज़ माई फियांसे, एंड आगे भी ये रिश्ता जैसे अमित जी एंड भाभी का है, वैसे ही ये रिश्ता आगे कन्वर्ट होने वाला है इन दिस ईयर, इन दिस ईयर ओनली। एंड हम मिले, इट्स लाइक वेरी, बोलना तो अच्छा नहीं रहेगा, बट शॉर्ट में बताते हैं, यू मेट इन अ जिम, आई एम इनटू बिजनेस, ही वाज इनटू एक्टिंग, स्टिल ही इज इनटू एक्टिंग, इज अ मॉडल, सिंगर एंड एक्टर, तो हमने बात किया, बात करने के बाद वी केम टू नो ईच अदर कि चलो ठीक है, बॉन्डिंग अच्छा रहा, धीरे धीरे कब वो दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो गया, ये तो मुझे भी नहीं पता चला। हाँ, यस, अब मैं इसको झेल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो बिल्कुल अभी मैं बताऊंगा, दिस मंथ एंड में हम लोग एक और लॉन्च कर रहे हैं, गाते इन्फ्लुएंसर नीता शिलिमकर, उसके साथ हम अभी उनका देसी म्यूजिक फैक्ट्री से भी शायद एक गाना आया था, तो उनके उनके साथ हम करें, हम लोग लॉन्च करेंगे, आप लोग भी मोस्ट वेलकम होंगे वहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग लॉन्च हो गए, उसका नाम है, उसका नाम है एटीट्यूड, सॉन्ग का नाम है एटीट्यूड, यस, एंड इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग, एंड उसमें जो लड़के ने काम किया है, इट्स अ, ही इज़ अ न्यू कमर, बट हाँ स्टिल उसने बहुत अच्छा सुपर गाना बनाया, और नीता इज़ लाइक इन्फ्लुएंसर ज़रूर है, लोग समझते नहीं है टिकटॉकर्स को ये, बट वो लोग का काम इतना इतना फास्ट, वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, तो अभी धीरे 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 हम लोग और गाने कर रहे हैं, वापस आ गए, कहाँ से घूम घूम के आ रहे, मैं घूम घूम के मुझे बुलाया जा रहा है। नहीं, मेरी अभी गाना आया था, आपने शायद देखा होगा, प्यार दीदा, अच्छा हिट हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, दीदी ने एटीट्यूड, ओके आने वाला, ओके मैं अभी जो गया मैं चाहता हूँ वो भी प्रमोट हो जाए, एक से एक मतलब होता है ना, एक चीज़ से वो भी काम हो जाए, तो दीदी ने प्रोड्यूस किया था ना, ये मेरे बहुत पुराने 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 वाले मतलब परिवार वाले, परिवार से भी अंदर वाले परिवार वाले हैं, शी इज वेरी नाइस, शी इज केयरिंग, शी इज लाइक अ रियल सिस्टर, वो ही है भाई के बारे में, अक्षत भाई पैसा आपने दिया नहीं था, बट फिर बोल रहा हूँ मैं, बात पैसे की आ गई है ना, मतलब ये एक फैमिली है यहाँ पे, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आपकी फैमिली कौन है बॉम्बे में, ये फैमिली है, एक्चुअल में फैमिली है, एक्चुअली हम लोग प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग जरूर रखते हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग पर्सनल
तमन्ना भाटिया इज देयर, एक्टर का भी आई कांट डिस्क्लोज, इट्स अ बिग नेम, तो थोड़ा वेट करो आपको जल्दी खबर आ जाएगी। म्यूजिक वीडियो में तो अमन को पकड़ के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो किसी को छोड़ने नहीं वाले अमन को, इतनी जल्दी नहीं मतलब ये जा सकता है कहीं तो। नहीं, मैं जाने वाला ही हूँ। आप छोड़ भी दो तो एनी भी बहुत अच्छा लगा। और गोविंदा सर, विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। लव यू सर। गोविंदा जी, सुनीता मैम, हैप्पी एनिवर्सरी। शायद देखेंगे वो लोग। थैंक यू, थैंक यू।